कि जैसे विमेंस के लिए अपनी हेल्थ को मैनेज करना एक टफ टास्क हो जाता है कि घर भी संभालना है, काम भी करना है, तो उसमें आप उनको एक हेल्थ टिप्स देना चाहें जो आप फॉलो करती हूँ। देखिए, महिला होना यानी शक्ति के नौ, दुर्गा के नौ रूप होते हैं। नौ रूप का मतलब ये नहीं कि पूजा के लिए नौ रूप होते हैं। नौ रूप यानी महिलाओं को उन नौ लेवल पर, उन नौ औषधियों से अपने आप को फिट रखना होता है। जैसे प्रथम नाम सेलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा कुष्मांडा, तो ऐसे करके माँ के नौ रूप है। नौ रूपों में शैलपुत्री है तो पहली जड़ी बूटी कौन सी है उसको सेवन में लेना। द्वितीय ब्रह्मचारिणी है यानी ब्राह्मी का इस्तेमाल करना। ब्राह्मी प्रतीक होती है मस्तिष्क की, कि अगर हम उसका थोड़ा सा सेवन करेंगे तो हमारा मन सही रहेगा। तो वो हमारे वेदों के अंदर है, माँ का शक्ति के नौ रूपों का वेदों में वर्णन है। नौ रूपों के साथ में नौ औषधियों से भी इंट्रोड्यूस करवाया है कि किस कालखंड में, किस समय में, बाल्यकाल में क्या खाना है, उसके बाद में क्या लेना है, उसके बाद में क्या लेना है, तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हमें वैदिक शिक्षा भी ये बताती है कि माँ को, महिला को अपने आप को स्वस्थ रखना महती आवश्यकता है, क्योंकि जब महिला स्वस्थ रहती है तो परिवार और राष्ट्र स्वस्थ रहता है, सशक्त रहता है। तो इसलिए महिलाओं को तो अपना ध्यान, सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए, फिर परिवार का ध्यान।